हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यम्मी फूड्स। आज मैं बना रही हूँ दो तरह के मोमोज, कुरकुरे मोमोज और पैन फ्राइड मोमोज। उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे आटा, जिससे हम मोमोज बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी मैदा और उसमें मैं डालूँगी नमक। और अब इसको मिक्स करके हम इसमें पानी मिलाकर इसका सॉफ्ट आटा बांधेंगे। आटा बनकर तैयार है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और तब तक हम बनाएंगे मोमोज की चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने लिए दो कटे हुए टमाटर, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1/4 चम्मच सोया सॉस, नमक, 1/2 चम्मच सूंठ पाउडर और 1 चम्मच तेल। अब मैं सबसे पहले टमाटर और सूखी लाल मिर्च को 1/2 कप पानी में एक कढ़ाई में रख के इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें अच्छे से उबाल लेना है। दो से तीन मिनट बाद ये एकदम अच्छे से बॉईल हो गए और सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम गैस फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने के बाद मिक्सर में दरदरा पीस लेना है। अब चटनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाला है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा मैं उसमें डालूंगी 1/2 चम्मच सूंठ पाउडर या ड्राई जिंजर पाउडर। ये डालने के बाद उसमें मैं डालूंगी टमाटर और सूखी लाल मिर्च की पेस्ट, जिसको हमने मिक्सर में दरदरा पीस लिया है। ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस डालने के बाद उसमें मैं डालूंगी नमक, 1/4 चम्मच शक्कर, 1/4 चम्मच सोया सॉस। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे हमें उबालना है। तीन से चार मिनट बाद हमारी चटनी अच्छे से उबल गई है और मोमोज के लिए चटनी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे मोमोज का फिलिंग। उसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी क्रश किया हुआ पत्ता गोभी, 2 चम्मच शिमला मिर्च, धनिया, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च और तेल। अब एक पैन में मैं डालूंगी 1 चम्मच तेल और जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें मैं डालूंगी 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसमें इसे तेल में मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 मिनट के लिए हमें तेल में पकने देना है। उसके बाद मैं उसमें डालूंगी 2 कटोरी क्रश की हुई पत्ता गोभी और 1 चम्मच जितनी कटी हुई धनिया। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। अब उसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच काली मिर्च और अब गैस फ्लेम को ऑफ करके मैं इसमें डालूंगी नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मोमोज के फिलिंग को ठंडा होने रख देंगे। अब कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए हमें बनाना है मैदा का स्लरी, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 कटोरी मैदा। उसमें मैं डालूंगी नमक और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। अब इसमें पानी मिलाकर हमें इसका घोल बनाना है, जिसमें हम मोमोज को डीप करके फ्राई करेंगे। मैदे का घोल बनकर तैयार है। अब हमें कॉर्नफ्लेक्स लेना है और इसको हाथ से चूरना है, जिसमें हम मोमोज को रोल करेंगे और फिर उसे फ्राई करेंगे। अब हम बनाएंगे मोमोज। उसके लिए मैंने मैदे के आटे के छोटे छोटे गोले बना दिए हैं और इसे हमें अब
रोटी बनाना है। आप देख सकते हैं मैं वीडियो में कैसे बना रही हूँ। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं, और इसे हमें पतला ही रखना है। कि छोटी रोटी बनकर तैयार है। अब इसमें मैं रखूंगी 1 से 1.5 चम्मच जितना मोमोज का फिलिंग। और अब मैं आपको दिखाऊंगी 2 तरह के मोमोज के शेप। आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हो। अब ये पहला शेप है जिसको हम साइड से चिपकाकर इसे अंदर की तरफ प्रेस करना है। हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर इसे चिपकाते हुए हमें दूसरी तरफ जाना है। हम इसको चिपकाएंगे और अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, और इसी तरह हमें एक साइड से दूसरी साइड तक जाना है, और फिर एंड में हमें इसे पूरा पैक कर देना है। आप देख सकते हैं मोमोज का शेप बनकर तैयार है। अब यही शेप मैं और एक बार आपको दिखाने वाली हूँ। अब आप देख सकते हैं मोमोज का एक शेप बनकर तैयार है। अब मैं आपको दिखाऊंगी दूसरा शेप, लेकिन ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही शेप बनाना है, आप कोई और भी शेप्स बना सकते हैं। दूसरा शेप बनाने के लिए मैंने फिर से छोटी रोटी बेली है और उसमें मैं डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच मोमोज का फिलिंग। और अब हम इसे एक तरफ से प्लेट करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैं वीडियो में कैसे कर रही हूँ। एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखना है और उसे चिपकाना है। इसी तरह आपका दूसरा मोमोज का शेप बनकर तैयार है। अब यही शेप मैं आपको वापस बनाकर दिखाने वाली हूँ। मोमोज का दूसरा शेप भी बनकर तैयार है। अब हम इसी तरह सारे मोमोज बना लेंगे। अब हम बनाएंगे कुरकुरे मोमोज। उसके लिए हमें एक मोमो को लेकर उसे मैदे के घोल में, जो हमने बनाया हुआ था, उसमें डीप करके फिर उसे हम कॉर्नफ्लेक्स में कवर करेंगे। उसे अच्छे से हमें पूरी साइड से कॉर्नफ्लेक्स में रोल करना है, और इसके बाद हमें इसे हाथ से थोड़ा सा दबाना है ताकि वो निकले नहीं। इसी तरह हम कुरकुरे मोमोज के लिए मोमोज को पहले मैदे के घोल में डिप करेंगे और फिर उसे कॉर्नफ्लेक्स में लपेट कर उसे फ्राई करेंगे। कुरकुरे मोमोज को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है। जैसे ही तेल गरम हो जाए उसमें मैं डालूंगी कुरकुरे मोमोज, और इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। चार से पांच मिनट बाद मोमोज फ्राई होकर तैयार है। अब मैं इसे निकालूंगी। गर्मा गर्म कुरकुरे मोमोज बनाई हुई चटनी के साथ सर्व करने के लिए तैयार है। अब हम बनाएंगे पैन फ्राइड मोमोज। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में
एक चम्मच तेल डाला है और उसे हम थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। और तेल गरम होने के बाद उसमें मैं रखूंगी मोमोज। मोमोज रखने के बाद उसमें मैं डालूंगी 1/4 कप जितना पानी, और अभी से हम ढककर 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकाना है। 7 से 8 मिनट बाद हम इससे ढक्कन को निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं मोमोज बनकर तैयार हैं। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए बिना ढक्कन के पकाना है ताकि ये नीचे से थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। आप देख सकते हैं पानी पूरा सूख चुका है और अब नीचे से आपको चेक करना है कि ये क्रिस्पी हुए हैं कि नहीं। पैन फ्राइड मोमोज नीचे से एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। पैन फ्राइड मोमोज बनाई हुई चटनी के साथ सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।